गुजारा ही चलता है हमारा, लगातार पूरा मिलते रहे तो हमारा पेट गुजारा हो जाता है सर। हरियाणा सरकार से भी और कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिला है, जैसे भी इधर से उधर से ले लुके हम सभी गुजारा कर रहे हैं। तो अभी नहीं सर, हमें कोई सहायता नहीं मिली। तो ऐसे में आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं तो इसके बारे में कुछ सोचे और कलाकारों के बारे में सोचे, इनका कुछ समाधान कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। पुण्य धर्म खर्चे खाए बिने ओ बणक पशु कमाया, तेरा नाम कड़े ओ दुनिया में ओ निंदक बढ़िया पराया। सर मेरे, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आगे संविधान में आए? सर मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं सांग में डालूँ अपने बच्चों को, अगर सरकार इनको बढ़ावा देती है तो मैं शायद मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। छड़ियों की खतरे ओ महाभारत चाहिए से, ओ श्री कृष्ण की दया मारणिया, ओ खुद पारथ चाहिए से। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप बहन, आज हमारे बीच में मंजीत सांगी जी हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ कलाकार हैं, सांग करते हैं और युवा कलाकार हैं। आज उनसे रूबरू होने का हमें मौका मिला है, तो आज हम उनसे उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मंजीत जी, अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। जी, तो मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मंजीत सांगी, जो हमारी परम्परा है, मेरे दादा श्री स्वरूपलाल सांगी जी वो कभी से ही सांग करते हैं, और मेरे ताऊ जी उमेश सिंह जी, हमारी खानदानी परंपरा है ये सांग की, और उन्हीं के भाग से हमें ये सांग करने की परंपरा प्राप्त हुई। बचपन से ही हमारा कार्य गांव गांव में जाकर गौशाला के नाम, मंदिर के नाम सांग करना, और ये अपने जो हरियाणा की परंपरा है, लोक कलाकार की परंपरा ही है, तो हम उसको संबोधित करते हैं गायन के द्वारा, नृत्य के द्वारा, कथा के द्वारा हम ये करते हैं सर। तो आपको कितना समय हो गया मंजीत जी? ये सर हमें कम से कम 20 साल हो चुके हैं इस लाइन में हमें। तो आप जो सांग करते हैं वो सांग आपको सरकारी सांग करते हैं या आपको गौशाला कराती हैं या कोई संस्थाएं होती हैं, कहाँ से आपको सांग मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो ऐसा है, हमें सरकार की तरफ से भी प्रोग्राम मिलते हैं और ये गौशाला की तरफ से मिलते हैं, और ये मंदिर सवाले कभी से बनते आ रहे हैं तो हम उनसे कार्य करते हैं। मंजीत जी, जो ये सांग परंपरा जो ख़त्म हो रही है, तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये डीजे पे गाने होते हैं लड़कियों के, अवैध व्यवहार हो रहा है ये, इसी कारण से हमारी परंपरा पीछे जाती हुई है, क्योंकि यहाँ पे लड़के सांग करते हैं सूट डाल के और नेचुरल लड़कियाँ डांस करती है, तो उनके हिसाब से ये काम मिथ्या होता जा रहा है। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा सरकार से कि हमारे सांगों को, रागनियों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारी ये परंपरा जो है इसको आगे ले जाया जाए और हमें काम मिले, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं। तो अभी आपको क्या हरियाणा सरकार से कार्यक्रम मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन अब ये लॉकडाउन के चलते हुए हम बहुत परेशान, हमारे सांग के जितने विधायक हैं बहुत दुखी चल रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके लिए भी कुछ समाधान। ये जो कार्यक्रम आपको मिलते हैं वो हरियाणा सरकार से मिलते हैं? हाँ जी हाँ जी, हरियाणा सरकार से भी मिलते हैं हमें कार्यक्रम सर। तो ये जो हरियाणा सरकार से जो कार्यक्रम मिलते हैं, इसमें आपको एक महीने में कितने कार्यक्रम मिल जाते हैं? एक महीने में कम कम सर 2-3 प्रोग्राम मिल जाते हैं सर हमें। तो 2-3 कार्यक्रम में आपकी कितना आप कमा लेते हैं? अगर गुजारा हो जाता है सर। गुजारा कितना कितना कमा? ये एक सांग के देते हैं सर 25,000 रुपये देते हैं सर एक सांग के। तो एक सांग में और ये 15,000 रुपये में आप कितने सांगे जाते हैं? 25,000 में सर हम 15 बंदे होते हैं सर, 16 भी होते हैं, और इस हिसाब से सब में बढ़ जाता है सर, ये सब में बढ़ जाता है। हाँ जी, तो मतलब आप एक महीने में आप मानते होंगे एक सांग मिलता है तो आपको 2,000 या 3,000 रुपये पड़ते होंगे? हाँ जी हाँ जी, इतना ही। तो क्या आपको लगता है कि इतनी जो आप बता रहे हैं, जितनी आप अपना आय बता रहे हैं या जो आपको मानताना दिया जाता है, क्या आपको ये लगता है कि इस मेहनताना में आपका परिवार का अच्छे तरीके से लालन पोषण हो पा रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लालन पालन अच्छी तरह से तो नहीं हो पाता है सर, गुजारा चली जाता है, बस गुजारा ही चलता है हमारा, लगातार पूरा मिलते रहे तो हमारा पेट गुजारा हो जाता है सर। तो आप आपके क्या आपकी शादी होगी? हाँ जी शादी होगी सर। तो आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे सर मेरे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आगे संविधान में आए? सर इस बारे में कहना चाहूँगा कि क्योंकि आगे काम तो ये रहा नहीं सर, क्योंकि ये मिथ्या होती जा रही है हमारी, लोक कलाकार ये सांग भी दिया, तो मेरा तो मानना ये है कि क्योंकि मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं सांग में डालूँ अपने बच्चों को, अगर सरकार इनको बढ़ावा देती है तो मैं शायद मैं सोचूँगा कि मेरे बच्चे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ और
करते रहे सांग। परिवार जो सांग विधा है उसमें तो परिवार के परिवार जो काम करते हैं, पीढ़ियां चलती आई हैं जी जी, तो आज भी काफी परिवार हैं जो सांग कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी इकट्ठा होके कभी अपनी बात सीएम साहब तक या किसी मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? हाँ, कई बार हमने सोचा कि एक बार हम श्री मनोहरलाल खट्टर जी से हमारे मुख्यमंत्री जाकर ये संदेश पहुँचाए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो पाया अब तक। क्या आपकी मुलाकात नहीं हुई या उनसे बात होने के बाद कोई समाधान? नहीं, हमारी मुलाकात ही नहीं हुई अब तक। आपकी मुलाकात नहीं हुई? तो आप जो आज आपकी जो पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, हाँ जी, हाँ जी। क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को अपनी ये विधा देना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी हरियाणा सरकार इस सांग को बढ़ावा देते हैं तो मैं क्यों ना चाहूँगा, कि क्योंकि हमारी खानदान की परंपरा है, ये हमारे यहाँ का कल्चर है हरियाणा का, तो मैं अपने बच्चों को भी मैं कहूँगा कि ये काम में आगे बढ़ाएं और इसको सीखें। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, हाँ जी, और महीने भर से ऊपर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लॉकडाउन में अभी आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या ये लॉकडाउन में क्या अभी आपको कार्यक्रम मिल रहे हैं, या कैसे क्या कर रहे हैं अभी? नहीं, अब तक हमें कोई भी समाधान नहीं मिला है हरियाणा सरकार से भी, और कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिला है। जैसे अभी इधर से उधर से ले लुके हम सभी गुजारा कर रहे हैं। तो अभी हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से आपके पास कोई आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता? नहीं सर, हमें कोई सहायता नहीं मिली। तो ऐसे में आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं हरियाणा सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो हमारे हरियाणा की कल्चर परम्परा है ये हरियाणा सांग विधि, तो इसके बारे में कुछ सोचे और कलाकारों के बारे में सोचे, इनका कुछ समाधान कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो आप जो है इस सांग विधि से विधा से जुड़े हैं जी, और क्या आप ये सांग विधा आप युवाओं में भी सिखाते हैं या अभी तक आप सांग में आप कर ही रहे हैं? बिल्कुल, मैं सांग करता भी हूँ और मैं कॉलेजों में स्कूलों में मैं सिखाता भी हूँ सर। आप सांग सिखाते हैं? चलिए, एक अच्छा सा आप हमें कोई गीत सुना दीजिए, रागनी सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सेठ ताराचंद के किस्से से एक दान पुण्य के बारे में विषय में एक रागनी सुनाऊंगा छोटी सी, सेठ ताराचंद सुनिए। वो पुण्य धर्म खर्चे खाए बने, ओ बणक पशु कमाया, तेरा नाम कड़े ते ओ दुनिया में, ओ तू निंदक बण्या पराया। पुन धर्म खर्चे खाए बने, ओ बणक पशु कमाया, तेरा नाम कड़े ते ओ दुनिया में, ओ निंदक बण्या पराया। मैं हमारे मनोहरलाल खट्टर जी से एक रागनी का बोल करना चाहूँगा कि लक्ष्मी चंद कह दान करे बने, यो धन गार ते चाहिए से, और इज्जत बंद है बनने की खातर, ओ पुरस्वार्थ चाहिए से, नीच दुष्टि छलियो की खातर, ओ महाभारत चाहिए से, ओ श्री कृष्ण की दया मारणिया, ओ खुद पारथ चाहिए से, चार वेद भगवान स्वरूप का यो गुण गीता ने गाया, तेरा नाम कड़े ते ओ दुनिया में, ओ निंदक बढ़ा पराया। ये आवाज़ हमारी श्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाए कि दान पुण्य करने से धन घटता नहीं बढ़ता है। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में बहुत ही प्रख्यात सांगी, और इनकी आपने कला आपने देख ली होगी। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी से और निवेदन करूंगा सीएम साहब जी से कि देखिए खट्टर साहब जी, इनके बारे में ज़रूर सोचें। ये कलाएं अगर हमारी ख़त्म हो गई और हमारी लोक संस्कृति ख़त्म हो गई तो हमें कोई नहीं पहचानेगा, और ये आज बहुत भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये लोग वो लोग हैं जो रोज़मर्रा कमाते हैं और रोज़मर्रा से अपना जीवन यापन करते हैं। आज अगर ये लोग भूखे मर गए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे समाज के लिए, हमारी सरकार के लिए, और हम सामाजिक रूप से हम सबके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारी लोक कलाएं ख़त्म हो रही हैं, हमारे लोक कलाकार भूखे मर रहे हैं। तो आज हर वर्ग के बारे में आप सोच रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, इन कलाकारों के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये बहुत निंदनीय हैं। ये बहुत दुखद है कि ये लोक कलाकार जो हमारी परंपराओं को बचाए हुए हैं ये आज भूखे मर रहे हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इन लोक कलाकारों के बारे में सोचें, इन्हें आर्थिक मदद पहुँचाएँ
और इनके भविष्य के बारे में सोचें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोक कलाकार और इस पीढ़ी से यानी कि अपनी कलाओं से जुड़ सकें और बुजुर्ग लोक कलाकार अपनी कलाओं को युवाओं को दे सकें। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है, और पर सारे जो भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि वो भी सामाजिक रूप से बढ़ चढ़ के इन लोक कलाकारों की सहायता करें, आर्थिक रूप से सहायता करें, ताकि अपने समाज को, अपनी लोक संस्कृति को ये लोक कलाकार बचा सकें और इनको प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपना आज का इंटरव्यू खत्म।